कुरुक्षेत्र के गांव शरीफगढ़ में एक ढोंगी बाबे का एक डेरा है, जो कि इस डेरे में बाबा राजेश कैंडी अपने साथियों के साथ डेरे में करता था लोगों का भूत प्रेत निकालने का इलाज। लेकिन इसकी एवज में वह लोगों से कर रहा था पैसों की ठगी, जैसे कि विदेश भेजना, पैसे दोगुना करना, सोने को डबल करना व भूत निकालना। डेरे में आने वाले लोगों ने बाबा राजेश कैंडी के खिलाफ अप्रैल के महीने में शाहबाद थाने में 420 का मामला दर्ज करवाया था। इसकी जांच अपराध शाखा 2 को सौंप दी गई थी। अपराध शाखा 2 ने टीमों का गठन किया और बाबे की धरपकड़ शुरू कर दी। लेकिन कुछ खबरें सामने आ रही हैं कि बाबा को पंचकुला से गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अपराध शाखा 2 के इंचार्ज मलकीत ने गिरफ्तारी की खबर का खंडन किया है। इसके अलावा कई चैनलों पर डेरे में कंकाल मिलने की भी खबरें दिखाई जा रही हैं, जो कि उसका भी इंस्पेक्टर मलकीत ने खंडन किया है। जो तस्वीरों में दिखाए जा रहे कंकाल नहीं हैं, वे प्लास्टिक की डमी हैं। मलकीत सिंह ने बताया कि वे दूसरे जिलों की पुलिस व ग्रामीणों से संपर्क साधे हुए हैं। राजेश कैंडी ढोंगी बाबा लोगों की श्रद्धा से कर रहा था खिलवाड़। पुलिस का दावा, बाबे को जल्द ही करेंगे गिरफ्तार। नाम से श्रीगढ़ में एक डेरे का संचालक था, जो इसके खिलाफ अलग अलग कंप्लेंट्स आई हैं, जिसमें 2 कंप्लेंट पे के आधार पे तो हमने अप्रैल माह में FIR लॉज कर ली है और उस पे जांच जारी है। उसमें उसके खुद के नाम राजेश के कैंडी के और उसकी वाइफ के खिलाफ और कुछ अन्य के खिलाफ उसमें FIR लॉज है, जिसमें हम अलग अलग टीमें गठित करके धरपकड़ की जा रही है और उसके ठिकानों पर रेड लगातार की जा रही है, लेकिन अभी तक उसका कोई सुराग नहीं लगा है और इसमें जांच जारी है। सर, जो ये मुकदमा है जो 420 का है जी, ये 420 का मुकदमा है, पैसों का लेन देन का है, विदेश भेजने के नाम पे है और ये लोगों के साथ सोने को डबल करने में, सस्ता सोना देने में, प्रलोभन में लोगों को ठग करके इसने किया हुआ है। और इसके साथ साथ कुछ कंप्लेंट्स भी हैं जिनकी जांच जारी है और शायद जल्द ही वो कंप्लेंट्स फैक्ट्स के आधार पर उनमें FIR दर्ज की जाएगी। सर, जो ये मामले निकल कह रहे हैं कि बाबा गिरफ्तार कर लिया है, ऐसा कुछ क्या? ये न्यूज़ मेरे भी संज्ञान में आई थी कि कुछ ऐसा न्यूज़ पेपर में आया कि बाबा जो पंचकुला में गिरफ्तार कर लिया है। इस आधार पे मैंने अपने तौर पर पंचकुला में भी और कैथल करनाल वगैरह अलग अलग एजेंसीज में CIS स्टाफ में संपर्क किया है, लेकिन ये जो खबर है ये मेरे अनुसार ये झूठी है और किसी ने गलत खबर न्यूज़पेपर में लगाई है। बाकी ऐसी कोई गिरफ्तारी वाली कोई बात सामने नहीं। सर, ये जो कंकाल की भी एक न्यूज सुनी है, खबरों में चल रहा है, ये भी मेरे संज्ञान में आज आई थी कंकाल की, के डेरा शरीफगढ़ जो बाबा का कथित बाबा का इसका जो डेरा है राजेश कैंडी का शरीफगढ़ में और ब्रिज के पास, तो उसमें कंकाल की सूचना की न्यूज थी, लेकिन ऐसा कोई कंकाल नहीं वहां मिला है। वहां पे लोग जो लोकल नागरिक हैं, वहाँ के सरपंच वगैरह हैं, कुछ और व्यक्ति भी हैं, वो भी हमारे संपर्क में हैं, इस केस को लेकर भी संपर्क में हैं। बाकी ऐसे कोई बात नहीं है, कोई कंकाल नहीं मिला, ये भी गलत अफवाह फैली गई। अर्थ प्रकाश के लिए कुरुक्षेत्र से कुलतार सिंह की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।